और दर्शकों ये है उनका काउ शेड। यहाँ पे जर्सी और होल्स्टीन फ्रिजियन काउ के भी ब्रीड्स है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना हेल्दी बढ़िया काउ ब्रीड। ये सारे बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली गायों के ब्रीड में से है। ये तो काफ़ी बड़ी है। क्या नाम है, हर एक काउ के जो ईयर में टैगिंग करके रखा हुआ है ताकि मैनेजमेंट को आसानी रहे, और उनको ग्रीन पाउडर दिया गया है खाने के लिए। बहुत ही अच्छा मैनेज करके शेड बनाया गया है यहाँ पे। यह है जर्सी ब्रीड। जर्सी गाय जो यूएसए में एक स्टेट है न्यू जर्सी, वहीं से ये ब्रीड आया होगा। देखिए कितना मासूम सा काऊ है, ये भी अच्छे दूध देती है। यहाँ पे एक और है बगल में होल्स्टीन फ्रिजियन, ये भी अच्छा दूध देती है। और यहाँ पे भी है, कुछ सोई हुई है, अभी खाना पीना खा के रेस्ट कर रही है। तो काउ फार्मिंग भी एक अच्छा लुक्रेटिव इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में। मिल्क का डिमांड हर एक स्टेट में, हर एक जगह में लोगों को दूध चाहिए। दूध नॉट ओनली हम लोग पीते हैं, उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है, दही बनता है, मिठाई बनते हैं, पनीर बनते हैं, बटर बनता है, बहुत कुछ होता है दूध से। एक बहुत ही हेल्दी डाइट है। तो आप अगर लोग अगर काउ फार्मिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग काउ फार्मिंग भी कर सकते हैं। आपके सामने इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेड किस तरह से होना चाहिए। ऊपर टीने का रूफ, और आप देख सकते हैं नीचे हाफ वॉल, बीच में नेट मैश लगा हुआ है, और पीछे पानी का भी बंदोबस्त है। पानी से पूरा फ्लोर को जो है दिन में एक बार साफ़ किया जाता है, कहीं पर भी गंदगी नहीं है, पानी का पाइप से उसको क्लीन कर देते हैं। और ये बीच में एक ऐसे ट्रेंच सा बना हुआ है, यहाँ पे ग्रीन फोडर देते हैं, वो भी दिन में 3 बार, और उसको क्लीन किया जाता है हर बार देने के बाद। और जो काव रहते हैं यहाँ पे नीचे कुछ मैट टाइप के दिए गए हैं जो रफ सरफेस है, ताकि काव स्लिप करके नीचे ना गिर जाए, इससे क्या है बहुत बीमारी हो सकती है। और उनका जो यूरिन वगैरह है, उनका जो वेस्ट है, उसको साफ़ करने के लिए भी यहाँ से पानी से फ्लो करके स्पीडली प्राणी स्प्रे करके उसको क्लीन कर दिया जाता है। तो इस शेड में लगभग 15-20 गाय है, तो 15-20 गाय में से रोज़ाना 100 to 120 लीटर्स मिल्क आता है। और काउज जो है अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। हमारे भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, बत्तख, ये सब आप अगर करेंगे तो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ये सारे इसके जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, दूध, मीट, अंडा, मछली, ये सारा इजीली मार्केट में सेल भी हो जाता है, क्योंकि 130 करोड़ भारतवासियों का जो पेट का भूख है उसको संतुष्ट करने के लिए आप जितना भी प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क, अंडा, चिकन, ये सारा कंज्यूम हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कभी कि खाने का आइटम जो है, दूध जो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, कहीं कभी ना कभी 1-2 रुपये ज़्यादा कम में सेल हो ही जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारे गौ माता है, एक और अनमोल चीज़ देती है हमें, जो है काउडंग, गोबर जिसको हम कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। गोबर से हम लोग खेती कर सकते हैं, बाकी ये एक वो है जैविक खाद है, इसको हम अगर अपने खेत में यूज़ करेंगे तो खेत में पैदावार भी ज़्यादा होगा, और जो फसल हमें मिलेंगे वो फसल भी प्योर होगा, उसको खाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के ज़माने में जो केमिकल खाद होते हैं उसके तुलना में ये जैविक खाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप अगर काउ फार्म करते हैं तो दूध के साथ साथ आपको जो गोबर है उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और गोबर की यूज़ से हम बायोगैस प्लांट भी बना सकते हैं, जिससे हम लोग जिसको एक फ्यूल की तरह, उससे जैसे हम गैस से हमारा स्टोव जलता है, वैसे ही बायोगैस प्लांट से भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये था काउ शेड के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में रखा हुआ बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद।